Good morning, dear friends. Once again, welcome to physics lecture. We will continue with yesterday's discussion, that is about force. So first of all, today we will start with finding out the components. Okay? So last lecture we have studied. Suppose this is F and this is theta. This is F and this is theta. What are you doing? This is say, this is X and this is Y. Then, in this coordinate system, X, Y, here it will be F cos theta and this will be epsilon. Actually, this will be epsilon theta. We are interested in the magnitude of it. So, this will be sin theta and this will be cos theta. F cos theta, F sin theta. So now we will try to calculate component of force. Okay. So problem we will write. Problem number one. Find components of force. एक problem आपको मैं करके दिखाता हूँ. बाद में आपको homework के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम आज में देने वाला क्योंकि वो प्रैक्टिस तो होना चाहिए. एक्चुअली वेक्टर का है. वेक्टर जब आपको चालू होगा तो आपको समझेंगे. एटलीस्ट अभी अभी के लिए आपको कॉम्पोनेंट में से निकाल दिया वो तो एटलीस्ट आपको समझ में आएगा. तो यहाँ पे मैं आपको देता हूँ एफ एंड थीटा. मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इज 2√10 एंड थीटा इज इक्वल टू 30°. समझ गए. तो अपन को पहले बेटा साइन कॉस टैन जो है वो आपको याद रखना चाहिए. तो यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा, यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा. 0, 30, 45, 60 and 90 आपको ये मालूम है. 10 में आपने किया साइन 0 0, साइन 30½, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90. इसके अगर उल्टा किया इधर से लिखते चला गया मैं तो कॉस का वैल्यू कितना हो जाएगा. कॉस 0 बात कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0. ये आपको मालूम है. दिस गिव्स मी वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे ये निकालने के लिए हम लिख सकते हैं सो होगी एक्स इंटू वाई. Therefore, number one, x component, उसको बोलेंगे fx. fx कितना आएगा? f cos theta. fx कितना आएगा बेटा? f 2 cos 30. तो cos 30 का वैल्यू कितना है? √3/2. तो fx 2√3/2. तो fx कितना हो जाएगा आपका? √3/2. मतलब यहाँ पे मैंने जब 2 न्यूटन फोर्स दिया तो एक्चुअली मतलब इसका मतलब क्या है बातें बताता हूँ आपको. पहले पूरा करके लेंगे आराम से कुछ नाम दे लिए. यू कैन मेक इट स्लोली. वाई कॉम्पोनेंट क्योंकि आपको बात पर रखता है वर्क के लिए रखता है प्रेशर के लिए है ना. एफ वाई. एफ वाई कैसे रहता है? एफ साइन थीटा. एफ वाई कितना का? 2 sin 30. एफ वाई कितना का? 2 × 1/2 sin 30 1/2 ना. 2 कैंसिल हो गया. एफ वाई हो जाएगा 1 न्यूटन. समझ गए? हो गया. तो अगर मैंने 2 न्यूटन यहाँ पे दिया है बॉडी का फोर्स इसका मीनिंग क्या है? अगर मैंने ये बॉडी ऐसे फोर्स दिया ताकि ये 30° हो जाए, ये 2 न्यूटन. तो ठीक से ध्यान से सुन लो. इस 2 न्यूटन में से यहाँ पे √3 न्यूटन लगेगा. मतलब आउट ऑफ 2 न्यूटन √3 न्यूटन फोर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल टू डिस्प्लेस द बॉडी. अगर हो सकता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टू डिस्प्लेस द बॉडी इन द एक्सप्लेनेशन. सो आउट ऑफ 2 न्यूटन √3 न्यूटन में भी चेक कर दे. सो एक बार cos 30 minus cos 30 root
ठीक है, और स्क्वायर थ्री प्लस का स्क्वायर वन, थ्री प्लस वन फोर, उसका फोर्थ का रूट टू बराबर है, तो रूट थ्री यूटिलाइज होगा अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, और यहाँ पे कितना है वन में बन जाएगा ऊपर वाले डायरेक्शन में वाई वाले डायरेक्शन, तो समझो समझ गए, तो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस, इसके बाद में हम सिंपल सिंपल टाइप देखेंगे, चलो नोट किया, वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, पॉज करो, इसको नोट करो, तो क्या है दादा, तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस आ सकती हैं, तो यहाँ पे हम अभी होमवर्क आपको देते हैं, और वो होमवर्क आपको करना है, इसका आंसर मैं आपको दे दूंगा, सो नो नीड टू सेंड मी, क्योंकि वो बहुत सारा आने वाला है, तो आपकी बहुत सारी इमेजेस मेरे व्हाट्सएप पे ऊपर आएंगे, मैं देखूंगा सबको, उससे अच्छा मैं इधर आपका आंसर भी दे सकता हूँ, ओके, लेकिन आंसर क्या करूँगा मैं बाद में, ये तो ठीक है आप कर लो, देख लेते बाद में, हाँ जो हो जाए देख लेते, सो होमवर्क वन ओवर वन में देते हैं 10 न्यूटन, एफ इज इक्वल 10 न्यूटन, और ये दिया 45 डिग्री, क्वेश्चन क्या है, फाइंड एफ एक्स एंड एफ वाई, एफ एक्स क्या बन जाएगा मेरा एक्स कॉम्पोनेंट, और एफ वाई क्या बन जाएगा वाई कॉम्पोनेंट, ओवर टू से कौन सा एंगल दिया है, ये 30 दिया, तो ये कितना है, ये 60 आएगा, तो अगर आपको एफ कॉस थीटा लिखना है कॉस 30 मत लिखो, 90 माइनस 30 60, हाँ इधर भी लिख सकते हो, इधर कॉस थीटा आ सकता है, ऐसा भी किया तो भी चल सकता है, दो इसका मेथड है, एक लिखोगे एक्स कॉम्पोनेंट कितना लिखोगे उसका एफ कॉस 60 और एफ साइन 60 वाई कॉम्पोनेंट है, एक अगर ऐसा लिखना चाहते हैं इधर इधर क्या आएगा उसका वाई कॉम्पोनेंट, अगर ये तो एफ कॉस 30 आएगा, वैल्यू वही आएगा, क्योंकि कॉस 30 साइन 60 वैल्यू से, और एक्स कॉम्पोनेंट लिख सकते हो एफ साइन 30 अगर ये आएगा, और ये आएगा तो 60 बन जाएगा, तो एफ कॉस 60 एफ साइन 60, ओके, फाइंड एफ एक्स एंड एफ वाई, ओके ओवर थ्री ज्यादा नहीं लग रहा है, इसको एक्स लिखते हैं इसको वाई लिखते हैं, मेरा एफ ऐसा है टू न्यूटन, क्या है इसने x एक्सिस के साथ कितना एंगल किया है 0, तो f cos 0 y f sin 0 क्या आता है आपका, फाइंड fx एंड fy, है ना इंटरेस्टिंग, ओवर 4 अभी दिखाते हैं आपको एक और y x इसमें z भी आता है लेकिन अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा है 2 न्यूटन, हाँ फाइन एफ एक्स एंड एफ वाई, ओके, तो ये चार होमवर्क आपको करने हैं, ओवर वन ओवर टू ओवर थ्री सेम टाइप के पहले एंगल बदलने वाला है यहाँ पे कर रहे हैं, सो आई सजेस्ट यू नोट दिस डाउन, अभी अगर यही दिया यही दिया कि ऐसा कैसे सकते एक बॉडी दिया है, एक बॉडी है हुँ?
10 न्यूटन का फोर्स दिया है कितने न्यूटन का 10 न्यूटन का नंबर 5 5 magnitude of force responsible to number 1 lift the body, second move the body towards right. कुछ नहीं है, x and y वही आपको find करना है. अगर यहाँ पर सपोज फ्रिक्शन नहीं है तो फोर्स कैसे लग रहा है 10 न्यूटन. तो अगर फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है तो 10 न्यूटन में थोड़ा एक फोर्स होगा, सम फोर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मूव दैट बॉडी टुवर्ड्स एक्स, और सम फोर्स अपवर्ड में बॉडी को लिफ्ट करना ट्राई करेगा. आई डोंट नो वेदर इट विल बी लिफ्टेड और नॉट, मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शन एंड. So right now we are not interested in the friction. That's true. Okay, so I suggest you to note this down. Okay. तो बेटा अभी इसके बाद ये क्यों सीख रहा है आपको? ये आपको दो कंडीशन में यूजफुल है. वो कौन सा? एक तो वर्क का निकल, आज तक आपने सीखा है कि हम स्टडी वर्क का इस फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट उतना ही नहीं है क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है वेयर वर्क स्केलर क्वांटिटी है, और वर्क एक है स्केलर प्रोडक्ट की टर्म में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो उसमें थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट का वो आपको अभी सीखा नहीं आपने इन टॉपिक वेक्टर वंस यू स्टार्ट विद योर सिलेबस you that topic you will be getting what I need to say. तो अभी क्या करें बेटा? तो अभी थोड़ा सा एक perpendicular and okay finding perpendicular and parallel component of force ये सीखा है मैंने पिछले लेक्चर में, मैंने आपको दिखाया था. I don't know आपको याद है. Suppose, एक body है, A B C D, A B C D. इसको force कैसे दिया मैंने? F. तो यहाँ पे मेरा जो कॉम्पोनेंट रहेगा वो क्या रहेगा? एफ कॉस थीटा. तो यहाँ पे रहेगा वो एफ साइन. तो अगर आपने देखा यहाँ पे देखा था आपको एफ साइन थीटा ऐसा है, इसको परपेंडिकुलर है बी सी को ए डी को. सो यहां पे आप देख सकते हो एफ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू बी सी, एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर टू ए डी. और ये देखा आपने उसको पैरेलल है, तो F sin theta is parallel to AD, F sin theta parallel to BC. Okay? और एंटीपैरेललिस्ट करेगा PA, लेकिन वो आपको देखने का जरूरत नहीं. किसी भी सरफेस कॉपी है AB नहीं है तो उसको पैरेलल, BC नहीं है तो वो पैरेलल, समझ गए? On the other hand, whereas अगर मैंने लिया F cos theta, मैंने क्या ले लिया है f cos theta, तो देखो वो कैसे आ रहा है. f cos theta भी यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा है ab bc p
यहाँ पे क्या लिख सकते हैं F cos theta perpendicular to BC, F cos theta perpendicular to AB, F cos theta parallel to BC और बन जाएगा F cos theta parallel to AD. तो मेरा जो कंपोनेंट है F cos theta वो कैसे है perpendicular to BC देख लिया आपने समझ कर लिया. तो आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन. तो किसी भी सरफेस को सरफेस के लिए पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स आ सकता है. तो अगर मैंने ये सरफेस लिया, ये सरफेस लिया AD, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा उसका पैरेलल और ये कंपोनेंट उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन जाएगा. तो पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपने हिसाब से बदल जाते हैं. जैसे हम सरफेस दूसरा कोई लेते हैं तो वो बदल जाते हैं. तो ये क्यों आपको पढ़ना है? बिकॉज इसके बाद में आफ्टर दिस वॉट एवर आई एम गोइंग टू शो यू दैट इज प्रेशर. प्रेशर का डेफिनेशन मैंने आपको बताया. प्रेशर का डेफिनेशन बेटा क्या है? नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया. नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स. तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स रहेगा उस एरिया को वो रिस्पॉन्सिबल होगा बॉडी को प्रेशर देने के. समझ रहे बेटा? ओके तो ठीक है, हम देखते हैं अभी प्रेशर. तो प्रेशर कैसे लिखेंगे हम? प्रेशर का फिर से एक बार ओवर में लेते हैं. प्रेशर को मैं जनरली कैसे लिखता हूं? प्रेशर को हम लिखते हैं नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया. तो हम प्रेशर को लिख सकते हैं एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए. जरूरी नहीं है एफ परपेंडिकुलर हरदम साइन थीटा ही आ जाए या कॉस थीटा ही आ जाए. समझ गए? फॉर एग्जांपल ये वॉल है, जहां मैं ऐसे फोर्स दे रहा हूं बराबर जिसका एंगल है थीटा. ये सरफेस से कितना एंगल है उसका? थीटा. थोड़ा देख लो किसी फोर्स को मैंने आगे दिखा ऐसे आगे दिखा एक्चुअली ये फोर्स ऐसे आ रहा है. तो ये बन जाएगा फोर्स और उसका एंगल कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा एफ कॉस थीटा और ये कंपोनेंट बन जाएगा एफ साइन थीटा. So if we want to calculate pressure on ball, then what will we do? We will use only F perpendicular. तो इसमें से F perpendicular कितना आएगा? ठीक से फॉर एग्जाम्पल नहीं इसके लिए. लेकिन अगर मैंने वॉल ऐसे रखा, वॉल रखा ऐसे और फोर्स वैसे ही दिया, मतलब यहां से फोर्स दिया, मतलब इस सरफेस के लिए कैसे लिखेंगे? ये थीटा ही दिया, ये थीटा दिया, ये एक्चुअली गिवन फोर्स
इसको ऐसे लिखता हूँ, मतलब अंदर समझना चाहिए ना कैसे फोर्स जा रही है यहाँ से मैंने, मतलब इसका मतलब क्या है, अगर वॉल को मैं ऐसे पुश कर रहा हूँ तो वॉल पे प्रेशर जो पड़ेगा उस एरिया पे, हाँ वो किस फोर्स के कारण जाएगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा करेगा, एक ऐसा करेगा, मतलब मैं जो दे दूंगा फोर्स वो ऑटोमेटिकली उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दिखेगा नहीं बेटा, दैट विल नॉट बी सीन बाय योर आईज, बट यू कैन सेंस दैट इतना फोर्स जा रहा है, बराबर। तो ऐसे अगर डायरेक्टली उसको किया तो जा पूरा जाएगा उधर, ये कंपोनेंट नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, ये मैंने होमवर्क दिया है, वो करने के बाद आप समझ जाओ। तो वैसे अगर मैंने ऐसे फोर्स दिया तो अभी क्या आएगा बेटा, अभी यहाँ पे जो फोर्स आएगा ये आएगा एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे जो फोर्स आएगा ये आएगा एफ साइन थीटा। तो इस केस में एफ कॉस थीटा मेरा बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। इस केस में हम लिख सकते हैं, ये केस में क्या हम लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, वही एफ परपेंडिकुलर है एफ साइन थीटा। तो आप समझ चुके होंगे कौन सा हम एंगल लेते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। तो जिस एंगल के टर्म में आपको दिखाया है वो आप ले सकते हैं। मैंने आपको ये दो प्रॉब्लम लेके समझाया, ये भी एग्जांपल आ रहा है, ये थीटा दिया तो ये देखो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, समझ गए। तो वो भी एग्जांपल आपको देते रखता हूँ। बिफोर दैट आई सजेस्ट यू टू नोट दिस टर्म, हो गया बेटा ठीक है। दोनों भी केस में वो सेम आ जाता है, सेम मतलब अगर आप आपको दिखा है मैंने सपोज ये वॉल दिया, और यहाँ पे मैंने फोर्स लिखा है एफ, और इसको लिखा थीटा, तो ये क्या आएगा 90 माइनस थीटा, बराबर। तो क्या हो जाएगा, सपोज मैंने इसको लिया 60, वो बन जाएगा 30, ये 60 और ये 30 बन जाएगा। तो यहाँ पे अभी पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल कंपोनेंट दो लिख सकता हूँ, एक लिख सकता हूँ एल कॉस 60, नहीं तो ए साइन 30, दोनों का वैल्यू सेम है, बराबर ना, कॉस 60 साइन 30। और यहां पे भी मैं लिख सकता हूं ए कॉस 30 और ए साइन 60, समझ गए। तो अभी वॉल को परपेंडिकुलर नहीं आएगा, तो प्रेशर की तरह से आइदर यू कैन राइट P इज इक्वल टू F cos 60 अपॉन A, और यू कैन राइट F sin 30 अपॉन A, बोथ वे आर सेम राइट, बिकॉज cos 60 एंड sin 30 हां दे आर सेम ना, बिकॉज 30 एंड 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो cos और sin का वो वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सेम रहेगा, गेटिंग माय पॉइंट। सो इसको बोलते हैं प्रेशर, क्या होता है इसको प्रेशर। तो अभी प्रेशर निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका थोड़ा सा किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है वो प्रेशर, वो भी देखते हैं, है ना। तो प्रेशर दो पॉइंट पे डिपेंड, प्रेशर दो पॉइंट पे डिपेंड, कौन कौन से, सब कुछ प्रेशर depends on number one perpendicular component of applied force and area of contact, area of contact, suppose ye wo
क्रीड़ा फर्स्ट एंट्री इन दिस रेलवे afterwards I am taking this one. Logically we are speaking nothing special we are speaking aapne wo dekha agar ye dono hai agar ki use karne baad to pehla one aise dikhega dusre baar dikhega aise dono ke upar bhi maine 1 newton force Then my question is, in which case the nail will go deeper in the ball? In which case nail will go deeper in the ball? Obviously, but naturally, of course. You will also do that. Of course, sir. Jiska nail ka jo end hai, wo ekdam jiska ekdam nukila hai, hai na? Apna moto bara hai, toh log idhar hai, jiska. एंड तो जैसे आज सब अरे अरे रेडी सो दिस विल गो मच मोर इनसाइड सो दिस इज इफेक्ट दोनों को सेम फोर्स दिया बराबर तो दिस विल बी इफेक्ट क्यों लेस एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट तो इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल meaning of this discussion pressure will be directly proportional to applied force for the same in of course position pressure is inversely proportional to area of contact greater is the area of contact for same force ha dono ko same force diya greater is the area of contact lesser is the pressure and lesser is the area of contact greater is the pressure if force is constant So, case one. For same applied force, for same applied force, number one, if area increases, then pressure will decrease. And second, if area increases, pressure will increase. अभी ये प्रोपोर्शनलिटी जो आपने आपको सिखाया था ये यहाँ पे आपको यूजफुल होगा तो अगर मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का बात किया तो क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट है पर ए इज एरिया ऑफ कांटेक्ट इसको बोलते हैं एरिया ऑफ कांटेक्ट दूसरा उसी के लिए सिंपल है इफ अप्लाइड फोर्स विल इंक्रीज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स विल इंक्रीज देन प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज एंड इफ अप्लाइड कंपोनेंट ऑफ फोर्स विल डिक्रीज देन ऑफ कोर्स प्रेशर विल आल्सो डिक्रीज तो हमने दो चीजें सीखी एक तो प्रेशर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है सेम फोर्स के लिए और फोर्स के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी लगता है सेम एरिया कॉन्टेक्ट तो अगर आपने एरिया कॉन्टेक्ट सेम रखा फोर्स इंक्रीज किया देन योर प्रेशर विल इंक्रीज एंड इफ यू आर कीपिंग एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट सेम बट डिक्रीजिंग द फोर्स प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज ऑन द अदर हैंड इफ यू कीप सेम अप्लाइड फोर्स एंड इफ यू इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट देन प्रेशर विल डिक्रीज एंड इफ यू कीप सेम अप्लाइड फोर्स बट डिक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट प्रेशर विल इंक्रीज सो this is very very important for you people to understand so I suggest you to note this down then we'll go for the next point okay theek tode yahan se hum pressure ka ek chhota sa definition se aur kya hota hai usse barabar abhi कंपोनेंट ऑफ फोर्स और काम करता है वो भी हम देखेंगे लेकिन वो वर्क कॉम
टाइम आता है, तो जब हम वर्ग सीखेंगे उस टाइम हम सीख सकते, है ना? ओके, तो होमवर्क प्रॉब्लम नंबर वन देते हैं। प्रॉब्लम नंबर यहाँ पे थ्री, पहले दो प्रॉब्लम सॉल्व किए, बाद में होमवर्क दिए। एक क्यूब है, क्यूबिकल बॉक्स है, एक क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है, क्यूबिकल क्यूब तो क्यूब दिखना चाहिए। क्या करते हैं, इसका भी क्यूब बनाओ, क्यूब क्या किया, क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस साइड के ऊपर मैंने फोर्स दिया 3 न्यूटन, बीच हर बीच इसको ऊपर फोर्स दिया पूरा 3 न्यूटन, यहां पे फोर्स दिया 10 न्यूटन, तो प्रेशर मतलब दो एरिया है उनके ऊपर प्रेशर कितना आएगा वो आगे निकालना है। वो कौन कौन से, ये है आपका ए डी जी एच, इस एरिया के ऊपर ये फोर्स है, और दूसरा है ये, इस एरिया के ऊपर कितना प्रेशर आएगा वो आपको फाइंड करना है, समझ गए? तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, होमवर्क ही है। प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेंगे, ये होमवर्क है। I suggest you to solve this as a homework. कुछ नहीं है, perpendicular component of force दिया है, बराबर उसको निकालना है, सीखा तो आपको। नंबर वन सॉल्यूशन, प्रेशर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन, एरिया कितना होगा, हाँ सर साइड नहीं है ना, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आपको समझ में आएगा, मैंने आपको प्रैक्टिस क्यों दी, मैट्रिक सिस्टम ऐसा होता है, सब आता है लेकिन सर वो कैलकुलेशन में नहीं आता, दिमाग है लॉजिक है सब है, कैलकुलेट में कैलकुलेट करने में रॉन्ग आता है सर, आंसर होगा अभी नहीं आएगा। 10 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर 2 मीटर, 10^-2, बराबर ना, उसका स्क्वायर, स्क्वायर मतलब -4, तो 10^-4 मीटर स्क्वायर, ये कितना आ गया, ये ऊपर जाएगा 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज 10^5 पास्कल,
समझ गए? टू का सो दैट वाज द प्रॉब्लम फॉर योर प्रैक्टिस. ओके, और मैं आपको होमवर्क देता हूँ. होमवर्क ज्यादा से ज्यादा करना जरूरी है. जितना होमवर्क करोगे उतना आपका प्रैक्टिस हो जाएगा. और इसके ऊपर किसी भी बुक में अगर आपको जो मैं आपको प्रॉब्लम दे दूंगा, क्योंकि एकदम बेसिक लेवल के है, ये बुक में अगर आपको इतना बेसिक का प्रॉब्लम नहीं है तो आप कर बराबर है. ठीक है, सभी चाहते रहे ऊपर. वो कितना देता है? 1, 2, 3, 4, 5 देता है. ठीक है, ऊपर 6 अब 6 ही ऊपर 6 क्या करना है? आठ मैं बताऊंगा. Such that ऐसा लिखा है डॉट डॉट डॉट. इसका मतलब क्या है? ये इसको पैरेलल है. इसका फोर्स कहाँ से आएगा? प्रेशर पिस्टन. फोर्स है 5 न्यूटन. साइन या कॉस. इफ साइन 30
क्योंकि यहाँ पे आपको ये कॉम्पोनेंट दिखाना पड़ेगा, प्रेशर दिखाना बराबर। इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा एफ कॉस 30 बराबर। तो ये कुछ प्रॉब्लम नहीं आपके आपको निकालने के लिए। यहाँ पे कैसे निकलोगे, यहाँ पे लगेंगे फोर्स आ जाएगा क्योंकि आगे ऐसे जाएगा, और अगर ये 60 है बराबर, ये 60 है बराबर, ये भी 60 मतलब ये 30। यहाँ पे इसको अगर परपेंडिकुलर निकालना है कॉस 30 आएगा, समझ गए। यहाँ के ऊपर ऐसे ही ऐसे आप, और ये अभी 30 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री ऐसे ही आगे जाएगा तो ये 30 डिग्री लगेगा और ये 60 डिग्री, तो अभी ये क्या बनेगा है cos 60। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। ऑफ कोर्स एक बार देख के आप मेरे को व्हाट्सएप पे डालोगे, सर मेरे को समझा नहीं है, दिस इज द रॉन्ग आइडिया अबाउट द स्टडी ना, मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को आप 25 बार पूछो, 10 बार पूछो, 100 बार पूछो, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। लेकिन क्या होता है, हमें अभी आदत हो गई, एक बार देखा नहीं समझा फिर सर सर के पीछे, और सर बोलो सर देखो दिखाओ, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। हाँ अगर मैंने गलती से कुछ इधर उधर ऐसा लिख दिया है, लिखा नहीं, वो अलग बात, नहीं तो एकदम जल्दी में सीखा है, एकदम आराम से सीखा। तो फिर से एक बार बताता हूँ, I expect from everybody that you see it, watch it hundreds of times, no problem, and try to understand. हो गया? क्या करना है? यहाँ पर फोर्स ऐसा है, ये जो है इस साइड को ये आपके लिए, इस साइड के ऊपर प्रेशर दिया है, उसका एरिया दिया है, एरिया नहीं दिया है, 2 सेंटीमीटर साइड दिया है, तो 2 × 4 = 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। यहाँ पे ये कंपोनेंट मेरे को दिखाना बराबर, इसका एंगल 30, तो इसका cos कंपोनेंट निकालूंगा f cos थीटा, दैट विल बी परपेंडिकुलर फॉर दिस सरफेस। तो ऐसा नहीं समझते कि cos थीटा पैरेलल होता है, sin थीटा परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो एरिया को परपेंडिकुलर रहेगा उसको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलेंगे, इस केस में वो आएगा f cos 30, f 10 या f 10 cos 30, एरिया निकाल निकाल सकते। इस केस में क्या आएगा, फाइन को यहां पे जाएगा, यहां तो ये 30 ये 30 ये कितना आएगा 60 है, तो यहाँ पे एक cos 60 लिख सकते हो, नहीं तो एक sin 30 भी लिख सकते हो, कौन सा भी ले सकते हो, समझ गए। अपन को क्या है, I want this force, इस केस में मैं सर यहाँ पे चला गया, ये 30 भी ये 60 है, तो ये भी 60 रहेगा, ऊपर वाला नीचे वाला 30 रहेगा, वैसे भी अगर 30 आ रहा है तो ये हो जाएगा cos 60। आगे ये कैसे रहेगा, ये भी सेम है, ऐसे नीचे जाएगा, यहाँ पर 30 यहाँ पर 30 आएगा, तो ये बन जाएगा 60। थोड़ा ऐसा आप इसका प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। फॉर एनी डाउट एंड क्वेरी यू मे आस्क मी, ऐसा नहीं है सर ने बोला मतलब सर आंसर नहीं देंगे, खाली एक चीज़ है, आई विल ऑफ कोर्स आंसर यू बट आफ्टर 6 o'clock, बिकॉज इन द मॉर्निंग एंड नून सेशन आई एम मच मोर बिजी बाय रिकॉर्डिंग द लेक्चर्स। आपका लेक्चर रिकॉर्ड करना होता है, 10th का एक क्लास मेरे साथ है IIT फाउंडेशन, उनको सिखाना पड़ता है, और 12th का एक क्लास है उनका रेगुलर फिजिक्स का चालू है अपना, वो ज़्यादा घंटे का ज़्यादा टाइमिंग का है, सो आई एम नॉट बी फ्री इन डे टाइम, इवनिंग टाइम आई विल गिव यू आंसर्स। ऑफकोर्स लकीली अगर बीच में फ्री मिल गया तो मैं आंसर देता हूँ बच्चों, तो वो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। Okay, so I hope you have understood that. Tomorrow again we will start with some another thing, that is work done, and what is the relation between force and displacement. So tomorrow we will start with that. Till that, do this all exercise, okay? Solve your problems, get your answer. For any doubt and query, feel free to ask me. Till tomorrow, stay home, stay safe, and stay tuned with physics. Thank you, thanks a lot, happy learning, bye-bye.